में लता जी का गाया हुआ ये गाना उनकी विदाई पर बिल्कुल सटीक बैठता है। 92 इयर्स की एज में कल उन्होंने हम सबसे विदा ली। उन्हें ट्रीट कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बताया कि उन्होंने और उनकी टीम ने 28 दिनों तक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, मगर मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते उन्हें बचाया ना जा सका। लता जी वॉज एडमिटेड टू ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल इन जनवरी दिस ईयर आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर COVID-19। It is with profound grief that we announce the sad demise of Lata Mangeshkar Didi this morning at 8:12. भारत रत्न लता जी तो चली गई, मगर अपने पीछे छोड़ गई 62 साल का एक लंबा करियर और 36 भाषाओं में गाए गए लगभग 40,000 गाने। इन एन इंडस्ट्री जहां सिंगर्स मौसम के जैसे बदलते हैं, दिस इज नो स्मॉल अचीवमेंट, विच इज प्रोबेबली व्हाई 2 days ऑफ नेशनल मॉर्निंग विल बी ऑब्जर्व्ड एंड नेशनल फ्लैग्स एवरीवेयर विल फ्लाई एट हाफ मास्ट। पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क में जब उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया, तो अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स देने के लिए हजारों की तादाद में आम लोग तो पहुंचे ही, साथ ही मौजूद थे पीएम मोदी, शाहरुख खान, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, सचिन तेंदुलकर, रणबीर कपूर और आमिर खान जैसे हाई प्रोफाइल लोग भी। लता जी के छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर वॉज द वन हु लिट हर फ्यूनरल पायर, और देखते ही देखते पीछे रह गई तो सिर्फ उनकी यादें और उनकी सुनहरी आवाज। सोशल मीडिया पर भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सभी ने शोक जताया। उनकी छोटी बहन आशा भोसले ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे उन दोनों की बचपन की एक पिक शेयर करी, कैप्शनिंग इट एज बचपन के दिन भी क्या दिन थे दीदी एंड आए। पूरा देश भी उनके यूं चले जाने से गम में डूब गया, मगर ये दुख सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी महसूस किया जा रहा है। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने लता जी को सुर सम्राज्ञी बताते हुए कहा कि उनके जाने का ये लॉस कभी भर नहीं पाएगा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद ने भी उनके जाने पर शोक जताया। वहीं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सेड दैट इट वाज द एंटायर सबकॉन्टिनेंट्स लॉस एंड दैट हर सॉन्ग्स हैव गिवन सो मच प्लेजर टू लिसनर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। नेपाल के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी और श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्सा ने भी उन्हें इंडियन क्वीन ऑफ म्यूजिक कहते हुए उनके जाने पर अफसोस जाहिर किया। विच ब्रिंग्स अस बैक टू द सॉन्ग लता जी सैंग इन 1970, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। नहीं भुला पाएंगे कभी भी उनकी आवाज को, ना ही उनके गानों को और ना ही उनकी उस प्यारी सी मुस्कान को। उन्हें ट्रीट कर रहे डॉक्टर ने बताया कि अपने फाइनल मोमेंट्स में भी लता जी हैड हर ब्यूटीफुल स्माइल इंटैक्ट ऑन हर फेस, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले कई सदियों तक उनकी आवाज हमेशा उनकी पहचान रहेगी। रेस्ट इन पावर एंड ग्लोरी लता जी, थैंक यू फॉर द सॉन्ग्स, द मेमोरीज एंड द वॉइस। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू शोशा फॉर मोर सच अपडेट्स।